ये वो दिल्ली है जहां से हमारे देश को कंट्रोल किया जाता है, जहां से देश के लिए कानून बनाया जाता है। ये वो दिल्ली है जहां से कोरोना से भी देश को बचाने के लिए कानून यही दिल्ली में बनाया जाता है। ये वो दिल्ली है जहां से दुश्मनों पर हर कार्रवाई को लेकर फॉरेन पॉलिसी तक को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन फिर भी नमस्कार, यही आशीष सिंह नाम है हमारा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो मुद्दों पर बात करेंगे। पहला मुद्दा होगा हमारा सुशांत सिंह राजपूत की मौत से हुए कुछ खुलासे के बारे में, और दूसरा अरविंद केजरीवाल के बारे में। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बॉलीवुड से जुड़ी हुई बहुत ही ज़रूरी जानकारी भी मिलेगी। कमाल आर खान ने फरवरी में ही अपने एक ट्वीट के जरिए ये खुलासा कर दिया था कि पूरे बॉलीवुड को सिर्फ 6 प्रोडक्शन कंपनियां कंट्रोल कर रही हैं, जिनमें करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन था, एकता कपूर का अल्ट बालाजी, आदित्य चोपड़ा की यशराज फिल्म और भूषण का टी सीरीज और साजिद का नडियावाला और सलमान खान फिल्म्स हैं जो बॉलीवुड को कंट्रोल कर रही हैं। केआरके ने इन कंपनियों पर लोगों के कैरियर खत्म करने का भी आरोप लगाया था, जो जाकर आखिरी में सच साबित हुई है। इन सभी कंपनियों ने सुशांत सिंह के बढ़ते फैंस की वजह से सुशांत सिंह पर बैन लगा दिया था, जिसकी वजह से ये सिर्फ सुशांत सिंह सिर्फ वेब सीरीज या टीवी सीरियल में काम कर पाते हैं। चूंकि इन कंपनियों का बॉलीवुड पर बहुत ज़्यादा दबदबा था, जिसकी वजह से सुशांत सिंह डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऐसे पहले एक्टर थे जिन्होंने चांद पर जमीन खरीदी थी। जिस क्षेत्र में उन्होंने चांद पर अपनी जमीन खरीदी थी उसे मारर मास्कोविंस कहते हैं, और उनके पास पहले से एक एडवांस टेलीस्कोप MID-14 LX-00 था। उसी टेलीस्कोप की मदद से वो अपनी प्रॉपर्टी पर नजर रखते थे। सुशांत सिंह राजपूत ने यह जमीन इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री से खरीदी थी। 25 जून 2018 को प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई थी। बॉलीवुड में एक देश के पिछड़े राज्यों की गिनती होने वाले बिहार से निकलकर अपने दम पर बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाने पर सलमान खान और एकता कपूर समेत बॉलीवुड के बड़े कसाइयों ने मिलकर सुशांत सिंह की जान ले ली है। इन कसाइयों ने जब सुशांत सिंह की पॉपुलैरिटी पसंद नहीं आई तो इन सब ने मिलकर सुशांत सिंह को डिप्रेस कर दिया, जो आखिरी में जाकर उनकी जान जाने की वजह बनी। आखिरी बात कर लेते हैं अब अरविंद केजरीवाल की। पैसों के लालच में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में न जाने कितनों की लाशें बिछा डाली हैं। एडवर्टाइज के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद केजरीवाल ने जो पैसों की भूख लगी, उस भूख को मिटाने में न जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। राजधानी दिल्ली में जो अभी के हालात हैं वो बेहद नाजुक हैं, आपको पता है। 800 से ज़्यादा पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं दिल्ली की SP सुरेंद्रजीत कौर और उनके पति चरणजीत सिंह भी अब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद यहाँ के दिल्ली पुलिस में SP सुरेंद्रजीत कौर की पति की मौत हो गई है। दोस्तों, अब मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि दिल्ली के अगर आप रहने वाले नहीं हैं तो भी आप वहाँ के हालात को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे वीडियो देखने के बाद। देश की राजधानी दो सीमाओं से लगती है। दोनों राज्य जनसंख्या क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23 करोड़ है। एक स्वतंत्र देश के हिसाब से विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश बनेगा उत्तर प्रदेश। दूसरी हरियाणा, जो कृषि तथा उद्योग दोनों के तालमेल बैठाने का प्रयास करता है, और दोनों ही राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा एक बड़ी जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। जब आप उत्तर प्रदेश और हरियाणा के हॉस्पिटैलिटी की बात करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि सबसे बेस्ट क्वालिटी की मेडिकल केयर जैसी सुविधाओं में हमारे देश की राजधानी को बेहतर माना जाता है। लेकिन उसके बाद भी कोरोना के सबसे बदतर हालात महाराष्ट्र के बाद दिल्ली के हैं। ये वो दिल्ली है जहां से हमारे देश को कंट्रोल किया जाता है, जहां से देश के लिए कानून बनाया जाता है। ये वो दिल्ली है जहां से कोरोना से भी देश को बचाने के लिए कानून यही दिल्ली में बनाया जाता है। ये वो दिल्ली है जहां से दुश्मनों पर हर कार्रवाई को लेकर फॉरेन पॉलिसी तक को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन फिर भी यही दिल्ली के हालात सबसे बेकाबू हैं। मजबूरी में गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ का हालात बदलने के लिए खुद का दौरा करना पड़ता है। अब ऐसे हालात में, जब हमारे देश में चीन से लेकर पाकिस्तान तक से युद्ध के हालात बने हुए हैं, मैं आपको बिना डरे अगर बोलूँ ना, तो ये इसलिए किया जा रहा है ना क्योंकि लोगों की लाशें बिछाकर राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे इन सुअरों को देश में सत्ता की कुर्सी चाहिए। लॉकडाउन के दौरान 22 लाख से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो लोग आए हैं, प्रदेश में 1891 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जिसने अपने राज्य के प्रवासी मजदूरों को वापस लेने में आनाकानी की थी जिन राज्यों ने, उसी के दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, जहां अब तक 22 लाख कारीगरों श्रमिकों को उत्तर प्रदेश अपने राज्य ला चुका है। मनरेगा से प्रतिदिन 43 लाख श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य से 10,000 से ज्यादा कामगारों एवं श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है। प्रदेश की 119 चीनी मिलों को माध्यम से 60,000 लोगों को लॉकडाउन के दौरान रोजगार प्राप्त हुए हैं।
इसी प्रकार हरियाणा सरकार ने भी नई औद्योगिक नीति का निर्माण कर जिलेवार नए राज्य औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण की योजना बनानी प्रारंभ की है, ताकि नए उद्योगों को आसानी से पाया जा सके। हर जिले में कोविड 19 अस्पताल को अधिसूचित किया गया है। टेस्टिंग सुविधाओं को लेकर और भी तेजी गति से फैसले लिए गए। जब धरातल पर ताबड़तोड़ आधारभूत ढांचा खड़ा हो रहा था, ठीक उसी समय प्रथम पंक्ति में रहकर वायरस के विरुद्ध संग्राम करने वाले उन स्वास्थ्य कर्मियों और पैरामेडिकल स्टाफ के उत्साह को कायम रखने के लिए हरियाणा सरकार ने उनके लिए न केवल बीमा योजना की घोषणा की, बल्कि कुछ श्रेणियों में कोरोना काल में भी दोगुना वेतन के लिए काम में। अब इन दोनों की तुलना में दिल्ली एक छोटे से राज्य है। अब बात करें तो वहाँ की हालात अजीब हैं। यहाँ प्रवासी मजदूर जो इन सरकारों के लिए चुनौती थी, उसको इन्होंने व्यवस्था नहीं थी उनके लिए, इन्होंने उनके राज्य में भेज दिया। ऐसे जब गिने चुने देशों में आज भी संकट के माहौल में सबसे बड़ी जो मूलभूत आवश्यकता है, वो अस्पताल और शमशान घाट के जो हालात है दिल्ली के, वो आप सबके सामने हैं। दिल्ली सरकार अपनी अनुभवहीनता के छुपाने के लिए अब केंद्र सरकार की शरण में गई है। शायद ही वहाँ कुछ समाधान निकल पाएगा, लेकिन लॉकडाउन के लगभग 50 दिनों में जो व्यवस्थाएं वहाँ खड़ी की गई केजरीवाल के द्वारा, इसके जवाब की अपेक्षा दिल्ली की जनता ही कर सकती है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको दिल्ली के हालात क्यों हैं, कैसे हैं, इसको बताने का प्रयास किया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो और लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। आप लोग मुझे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो भी ज़रूर करिएगा और वहाँ अपनी राय हमसे शेयर करिएगा। अपने घर पर रहिए, परिवार के साथ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद। नमस्ते।